जो पटवारी है पैसे दे रहा, जो तहसीलदार है पैसे दे रहा, जो डीएम है पैसे दे रहा, उसको सम्मान निधि मिल रही है। बाद बाकी किसानों को, जो गरीब किसान है उसे तो सम्मान निधि मिल ही ना रही। जैसे मोदी जी मन से बात कर रहे हैं, अगर आप मोदी जी माननीय मोदी जी हमारे दिल से बात करें और किसानों के बिल्कुल हकीकत में सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। ये NS24 जो कि यूपी उत्तर प्रदेश को दिल्ली से रास्ता जोड़ता है, आप लगातार ये तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे। और आज मैं बात करूँगा किसानों से। दो दिन पहले बजट आया 1 फरवरी को, उस पर भी कुछ बात करेंगे कि उसमें क्या हुआ, और आगे की बात जो हर वीडियो में सवाल हो रहे हैं उन पर भी कुछ बात करूंगा कि इनकी क्या राय है। और जिस तरीके की आप पीछे भी तस्वीरें में देख रहे होंगे कि बैरिकेडिंग किस तरीके से लगाई गई है, दो दिन पहले ये बैरिकेडिंग लगाई गई और कीलें बिछाई गई इस तरीके से ताकि ये जो दिल्ली से जो इससे पहले की अगर बात करूँ तो ये एक लेन इधर इस तरफ की जो कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाला रास्ता वो बंद किया गया था किसानों द्वारा। लेकिन अब आप देखेंगे तो तस्वीरें इस तरीके की हैं कि चारों लेन बंद कर दी गई हैं, चारों लेन, चाहे आप अपना उत्तर प्रदेश जा सकते हैं ना दिल्ली, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ सकते हैं। तो कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या परिस्थिति और कब तक रहने का इरादा है। हालांकि राकेश टिकैत एक अपने बयान में कह चुके कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा, अक्टूबर नवंबर तक। तो इनकी बात, इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों की जो यहाँ मौजूद है उनकी क्या राय है, तो वो समझेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा दिनेश कुमार नाम है जी। कहाँ से? मवाना से है, यूपी मवाना, मेरठ से। टिगरी तहसील मवाना। तो सर पहला सवाल वही कि हर आपसे कई लोगों ने भी कर लिया होगा कि सर कब तक चलेगा, क्योंकि जो चीज़ें आप अगर समझ रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि 60-70 दिन हो लिए इस आंदोलन को चलते हुए, आपको सड़कों पे बैठे हुए, तो काम सर आपका भी रुका हुआ है अगर यहाँ पे बैठे हैं, और काम और लोगों का भी रुका हुआ है, नुकसान सबका हो रहा है, सभी का नुकसान हो रहा है। जो नुकसान हो रहा है जो काम रुकने की वजह से, उसकी भरपाई कैसे होगी सर, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, इसकी जिम्मेवारी तो सरकार पे ही है, क्योंकि भारत सरकार पे है, क्योंकि हम जो है जान पूछ के नहीं बैठे यहाँ पर। हम तो जो है मजबूरी में, जब हम आए थे दिल्ली के लिए तो इन्होंने जो है रास्ता रोक दिया, तो हम यहीं पर बैठ गए। और हम शांति प्रिय धरना देना चाहते हैं, कोई किसी तरह का कोई बलवा या कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो मेरा सवाल सर ये है कि 23 तारीख को जो आखिरी बैठक हुई उसमें, उसके बाद जो सिलसिला टूट गया एक बातचीत का, उसके बाद सरकार भी अपने पे अड़ गई है कि हम जितना कर सकते थे उतना हम आपको प्रावधान दे चुके, उतना प्रस्ताव हम आपको दे चुके, अब इस पर आपको बात करनी है तो आप बात करें। प्रधानमंत्री ने भी 4 दिन पहले कहा हम एक कॉल की दूरी पर हैं। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप भी ये चाहते हैं कि जब तक तीनों कानून वापस हों और MSP पर कानून बने, उससे पहले घर वापसी नहीं होगी। सरकार अपनी बात कह चुकी है कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, उस पर फिर बातचीत हो सकती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर इतने दिन से आप बैठे हुए हैं, नुकसान सर आपका भी हो रहा है, नुकसान और लोगों का हो रहा है, सरकार अड़ चुकी है, तो समस्या कैसे होगी, समाधान कैसे होगा, समझौता कैसे होगा? देखिए, बात ऐसी है, सरकार का जैसे मोदी जी, माननीय मोदी जी जो हैं वे मन की बात करते हैं, अगर वे खुले दिल से दिल की बात करें तो वे किसानों को महसूस कर सकते हैं कि भाई ये जो है क्या हो रहा है, और इससे जो है किसान की गति बहुत धीमी पड़ रही है। इससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एक किसान है उसके बारे में जब किसान का नाम लेते हैं तो दूसरा आदमी भी बड़े उससे संदेह के हिसाब से देखता है, क्योंकि जो हमारे यंग बच्चे हैं उनकी शादी भी होनी बंद होगी, और जो एक वर्कर है, एक चपरासी है, उसके लिए जो है शादी के लिए ऑफर आते हैं, और किसान में जो बच्चा है और वो खेती करने का इच्छुक है उसकी शादी भी नहीं हो रही। सबसे बड़ी समस्या ये क्या कारण है कि हमारा जो वाजिब मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा, और वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं कि भाई MSP का कानून बना दिया जावे, और ये जो काले कानून है ये रद्द करे जावे, क्योंकि इससे हमें ही पता है, क्योंकि हम खेती करते हैं, खेती करने से हमें ये मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इसका अर्थ ही क्या। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अर्थ ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और वे मंदे रेट में लेंगी, और फिर उनको बीज जो उपलब्ध कराएंगी वो बहुत ही मोटे रेट में देंगी, और फिर हम जो है उसको तैयार करेंगे, जब हम बोएंगे तो उसके बाद में फिर वो हमें सस्ते में लेंगे।
और जब सस्ते में लेंगे तो हमारी जो आमदनी है जो अब भी और डल हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि आगे आने वाले भविष्य में हमारी तो चलो उम्र जो है काफ़ी होगी, 65 साल की उम्र होगी, और उसके बाद में जो बच्चे आने वाले हैं पीढ़ी है तो वो हमें क्या जवाब क्या कहेंगे, अखिल का हमारे बुजुर्गों ने जो है ये नहीं देखा और ये जो है कानून पास करवा दिया। और सरकार जो ये कहती है कि किसान जो है भ्रमित कर दिए, हम भ्रमित नहीं हैं क्योंकि हमें पता है। आप एक बात देखिए कि एक आदमी किसी कार्य को करता है, जैसे कोई इंजीनियर है वो जो है ये बनाता है पुल वगैरह बनाता है, तो उसे पता है कि इसमें कितना मटेरियल लगेगा और ये कितना इसमें जो है मटेरियल लगने के बाद में कितनी इसकी ताकत बढ़ेगी। तो इसी तरह से हमें ये पता है कि हमारा किसान की खेती जो है ये किस तरह से ख़राब हो जाएगी। वहाँ तो जो है सरकार के पास में एक्सपर्ट बैठते हैं, वे एक्सपर्ट जो है वे पूंजीपतियों के बारे में ही सब कुछ वे बताते हैं, किसान के बारे में नहीं बताते। तो इसलिए हमें जो है मजबूरन हम भला भाई हम हमारे देश का नुकसान करेंगे। किसान तो ऐसा है, अन्नदाता है, सबको देता है, 100% जनता को अन्नदाता ही तो देता है। और तो बात यह है कि हम बहुत दुखी हैं। और रही बात ये, हम तो शांति प्रिय बिल्कुल आराम से जो है इस कानून को ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात दिल से देखे और दिल से देख करके इस कानून को जो है रद्द करे। लेकिन सर अब वही बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अब ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि बात स्वाभिमान की आ गई है किसानों के तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी ये सरकार भी ये ठान चुकी है कि अब हमने जब पास कर दिया कानून तो हम वापसी लेंगे नहीं। अब आप लोग भी ये ठान चुके हैं कि जब तक वापस होंगे नहीं और MSP पर कानून नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ से वापसी नहीं होगी। देखिए हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि भाई हमारी जो है ये मूंछ की लड़ाई है, ये कोई मूंछ की लड़ाई नहीं है। हमारा सरकार है, सरकार से हमारा मांगने का फर्ज है। हम जो है जब हमने उन्हें जो है वोट दिया है और वोट दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी बैठाए हैं, मोदी जी को वोट दिया है, तो ये बताइए हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमारा इससे बहुत नुकसान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि भाई जो MSP रेट से नीचे जो हमारा बिक रहा है ये सब जगह जो इसमें जो है मध्य प्रदेश में भी ये देख लीजिए आप, मक्का है, बाजरा है और गेहूं है, ये हमारा किस रेट में बिका, बहुत सस्ते रेट में बिक गया। और ये जो बिहार में है, बिहार में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हुआ उसमें जो है वे तो सब एक्सपर्ट बैठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय तोमर जी हैं, उन्हें सबको पता है कि इससे जो है किसान का कितना घाटा है। चलिए सर एक 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 आखिरी सवाल, ये जो अभी बैरिगेटिंग हम लोग देख रहे हैं, एक बहुत जैसे MSP रेट है उसका गन्ने का ही है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का अभी तक हमारा कोई पेमेंट नहीं मिला और इसका भाव भी डिक्लेयर नहीं किया माननीय योगी जी ने, आज तक जो है भाव भी डिक्लेयर नहीं करा। चलिए उत्तर प्रदेश के किसानों की ये समस्या हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं कि जो कि गन्ना किसानी करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, उन गन्ने किसान की समस्या हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं कि उनका जो रेट है वो बढ़ नहीं रहा है। पिछले चार पाँच साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा है और उसके दाम नहीं मिल रहे हैं, तो वो समस्या काफ़ी समय से चल रही है जिसकी बात इस आंदोलन में जिसकी बात भी लगातार कही जा रही है। राकेश टिकैत कई बार अपने बयान में कह चुके गन्ने के रेट की बात। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल कि ये जो बैरिगेटिंग दो दिन से यहाँ पे बैरिगेटिंग जिस तरीके से लगाई गई, क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें थी वो जो ये लेन जो कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाती है वहीं सड़कें जाम थी, आप लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन अब ये दोनों लेन जो हैं जो कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाती हैं ये भी बंद कर दी गई हैं। आप क्या इसकी वजह समझ रहे हैं, क्यों इस तरीके से बैरिगेटिंग इतनी स्ट्रिक्ट बैरिगेटिंग लगाई गई? ऐसा है कि ये तो भारत सरकार जानती है, हमें कोई इसका कोई ऐतराज़ नहीं, खोल दीजिए, ये तो उन्होंने ही कांटे लगाए, हमारा कोई इसमें विरोध नहीं है या इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ना हम इसे जो है रोकना चाहते हैं, क्योंकि जनता भी हमारी है, जनता के लिए लड़ रहे हैं और किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं और इसमें जो है हमारा कोई सिर्फ किसानों को बदनाम करने हमारे नेता राकेश टिकैत ने कल कहा था हमें 2 लाइन चाहिए, ये 2 फ्री खोल दो, हमें इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं, ना ही हमारा कोई अवरोध है यहाँ पे, इन्होंने कर दिया, 2 आदमी यहाँ खड़े भी हो गए, यहाँ को रुकता ही नहीं।
हमारे सिर्फ दो लाइन पढ़ली चाहिए। ये तो सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए ये ड्रामा रच रही है सरकार से। आप ये देखिए, हमने जो है उस बैरिक सब जो है ये बांस लगा रखे हैं, और उससे पहले जो है वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता है वे बैठे हैं और किसी भी आदमी को परे नहीं जाने देते हैं, किसान को नहीं जाने दे रहे हैं। और हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं, आप खोल दीजिए, इसका ना हमें कोई फ़ायदा है ना कुछ है। हमने तो ये माननीय टिकैत जी ने भी ये कह दिया था कि जो है इन्हें खोलने दीजिए, हमें बदनाम करने की साजिश है ये सब। ये जो जो उधर की तरफ से कहा जा रहा है, दिल्ली वालों की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से, कि जो जो चीज़ 26 जनवरी को हुई, हाँ जी, जिस तरीके से लाल किले पर और आईटीओ पे जिस तरीके से जो हंगामा हुआ, हाँ, वो चीज़ दोबारा दोहराई ना जाए, इस वजह से ये रास्ते दोबारा बंद किए गए हैं उस वजह से। बात ऐसी है, ये सब ये जो है किसान ऐसा नहीं कर सकता। आप भी पत्रकार हैं और हम भी किसान हैं, हमें भी ये पता है कि इस तरह से आप जहां 26 जनवरी के बाद में भी पहले भी कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, वहां जो है वो इस तरह से जो किया है, जो कुछ वैसे विरोधी है या कुछ भी है, उनकी साजिश हो, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो जाँच का विषय है, ये सब निखर के बात आएगी। किसानों का इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, प्रोपगंडा या किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। ये तो किसानों को बदनाम किया जा रहा है, इसमें तो बिल्कुल कोई वो ही नहीं है। और हम तो गांधीवादी आदमी हैं और बिल्कुल किसी भी तरह का कोई विरोध वैसा नहीं करना चाहते, हम तो अपनी मांग पे बैठे हैं। और ये अनिश्चित काल तक, ये अनिश्चित काल के लिए धरना चलेगा, अनिश्चित काल के लिए चलेगा, इतने हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और इसमें ये कोई मूछ की लड़ाई नहीं है, ये हमारी मांगे हैं, हम अपनी मांग मांग रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि आप भी बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं, मान लिया हमारे बच्चे जो है ये पढ़ेंगे कैसे, फीस कैसे जाएगी, क्या ये तरक्की करेंगे, देश का भविष्य कैसे बनेगा। जब हमारा माल नहीं बिकेगा, हमारा माल मंदा चला जाएगा, तो आप ये बताओ हम कैसे बच्चों को जो है आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो थोड़ी बात बजट की भी कर लेते हैं, अभी दो दिन पहले बजट पेश किया गया, तो जो पिछली बार 75,000 करोड़ था उसको घटा के 65,000 करोड़ किया गया, और हर बार की तरह वो दावा इस बार भी कि किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी। तो जब सरकार लगातार बात कर रही है कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, तो मैं ये जाना कि भरोसा क्यों नहीं है, मैं वो जाना। आप वो फार्मूला बताएं जरा। देखिए, तोमर जी या माननीय प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी, हमें कम से कम ये तो बताएं कि भाई ये फार्मूला जो है ऐसे ये दुगनी हो जाएगी, हमारी तो जो सामान्य थी उससे भी आधी होगी, तो ये ऐसा कैसा कौन सा फार्मूला है कि जो भाई ये आय जो है दुगनी कर देंगे। ऐसा माननीय मंत्री जी कोई से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमें ये समझावें, उस पर ही समझावें, कॉन्फ्रेंस पे देवें, अकबर इस तरह से आपकी जो है दूनी दूसरी, हमें तो हमारा भाव चाहिए, भाव चाहिए। वो फार्मूला जानना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, आए दुगनी कौन से फार्मूले से हो जाएगी, अगर वो दुगना भाव ना करा जाए वो दूसरा फार्मूला हमारे दिमाग से बाहर, वो फार्मूला बता दे, बिना दुगना भाव करे आए दुगनी कैसे हो जाएगी। और ऐसी कोई कौन सी जादू की छड़ी है जो दुगना भाव हो जाएगा, ऐसे कोई किसानों को समझा कर दूंगा दुगनी, इसे फार्मूले से ये दूनी हो जाएगी। हमें किसी किस्म की राहत नहीं चाहते, हमें तो सिर्फ अपना भाव चाहिए, भाव का वाजिब मूल्य चाहिए, वाजिब मूल्य चाहिए, हमें राहत नहीं चाहते किसी की, भाव मिल जाओ। प्रधानमंत्री भी हमारे देश के माननीय गण हैं, और जी तोमर जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पेट में जो लात लगती है वो हमें दर्द है, और उसी की वजह से हम घर से बाहर थोड़े हैं, हम कोई बेवकूफ़ थोड़े हैं जो हम यहाँ पड़े हैं। लोगों को ये कहते हैं कि भ्रमित कर रहे हैं किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, क्या हमें ये पता नहीं है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ बात है, सारे एक्सपर्ट हैं, कोई ऐसा कोई भ्रमित कौन कर देगा हमें, आप ही बताइए। भ्रमित कर रही है सरकार, भ्रमित जो है हमें केवल सरकार कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं हैं या पहचानते नहीं हैं, सारी बात जानते हैं। इसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि इन्हें काले कानूनों को रद्द करें और MSP पर नया कानून बना करके, और किसी राहत ना देकर हमें भाव दे, हमें जो है हमें दान नहीं चाहिए कोई, हम कोई भिखमंगे थोड़े ही हैं, हमें अपने अपने मूल्य का वाजिब मूल्य चाहिए। तो
चलिए आपने ना तो हमें मनरेगा चाहता, ना मिड डे मील चाहता, ना हमें वो आसा पासा का वो कसार पसार बटे वो चाहता, हमें तो कुछ चाहता ही नहीं है। तो सब अफसर लोग बड़ा कमाई का धंधा है इनका, किसान सम्मान चाहते नेताओं का कमाई का धंधा है, जो किसान के कोई मतलब की चीज नहीं है। मनरेगा मिड डे मील और मनरेगा मिड डे मील सर आप लोगों के लिए, मिड डे मील सर बच्चों के लिए जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मनरेगा मजदूरों कोई नहीं खा रहा उसे बच्चा, कोई नहीं खा रहा उसे, ये तो सब अफसर खा रहे उसे, मास्टर खा रहे या अफसर खा रहे, उसको जो आता है आप पशु खा रहे, सुनो जो आता है उसे अधिकारी, कुछ तो अधिकारी खा जाते हैं, कुछ जो वहाँ टीचर वगैरह हैं वे पशुओं के लिए किसानों को बेच देते हैं और उसकी सेल कर देते हैं। रही बात ये वो जो है बच्चों के तो हाथ ही नहीं आता, ये तो सब बेकार की फंडे की बात है। ये केवल एक सुरक्षा बिल, ये बिल्कुल भी ये केवल एक वोट वोट के लिए है और कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। सुरक्षा बिल जो बनाया है हमें क्या जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत। इतनी 33 स्कीम गवर्नमेंट की है, इससे देश को गुमराह हो रहा, पैसा बचाने में इतना खर्च होता है और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता जिनके लिए जा रहा, इसलिए ये स्कीम बंद होनी चाहिए। और ये मन है ना प्रधानमंत्री सम्मान निधि, इसके हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं, ये हमारे मतलब की नहीं है। हम 2000 रुपए के बिहारी, हम 2000 रुपए की बीडीपी जाए महीने में, नहीं वो भी तो इनके जो इनके किसान सम्मान निधि मिल रही है, जब इनके पास किसानों का पूरा बायोडाटा है, जितने भी किसान हैं इस देश के सबका लेखा जोखा सरकार के पास है, तो क्या वो सभी किसानों के खाते में क्यों नहीं आ रही सम्मान निधि? भाई कुछ ही किसानों पे क्यों आ रहा? जो पटवारी है पैसे दे रहा, जो तहसीलदार है पैसे दे रहा, जो डीएम है पैसे दे रहा, उसको सम्मान निधि मिल रही है, बाद बाकी किसानों को जो गरीब किसान है उसे तो सम्मान निधि मिली ना रही मिल रही। और रही बात इसकी जो इन्होंने बीमा योजना लाए, अरे गौतम बुद्ध नगर यहीं से पास में है हम, और उसमें ये सारे जो बहुत दिन मीडिया जो है ना जितने उनके सबके न्यूज चैनल है और उन्होंने सब अवैध तरीके से अपने न्यूज चैनल बनाए हुए हैं। अगर जो नोएडा प्राधिकरण की जमीन में बने हुए हैं और नोएडा प्राधिकरण जो है उन्हें जो है बढ़ावा दे रहा, क्यों बढ़ावा दे रहा? क्योंकि उसकी जमीन पर पड़े हुए हैं। नोएडा प्राधिकरण की ये खबर नहीं दिखाते क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने 43 सालों से आज भी उन किसानों का मुआवजा नहीं दिया, और ये बात कर रही है सरकार किसानों की, किसान का तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर किसानों की बात करते, अब योगी जी कह रहे हैं अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा, योगी जी नोएडा में 4 बेर आ गए और 5वीं बार कैंसिल होगा, किसान विरोध के कारण कैंसिल हुआ उनका दौरा, इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि 43 साल से जो किसानों ने अपनी जमीन देकर नोएडा को बचाया, इस भारत को विश्व के सबसे ऊंचे स्तर पर दिखाया, ये नोएडा नोएडा करके पूरे विश्व में नोएडा की छवि दिखा रहे। अरे उन किसानों को भी तो दिखाओ जो उसमें जो है, अभी एक गाना भी बनाया भैया एक ने हमारे ने गायक ने, उसने बेचारे ने भैया हमारा कोई गांव ने दिखाया उस गाने में भी, उसमें भी वे गाँव से हटा दिए। अरे भैया जिन्होंने किसानों ने जमीन दी है जब तेने गाने में वे ही ना लिए तो नोएडा की छवि कहाँ से आ गई उसमें? वो तो सब एक प्रोपगंडा है। और इस 43 साल हुए नोएडा बसे और जिस जमीन पर नोएडा बसा वो 2.5 रुपये गज में जमीन ली गई, और आज भी किसान अपने मुआवजे के लिए उस 2.5 रुपये गज के लिए भी किसान जो है कोर्टों के धक्के खा रहे हैं। एक कोर्ट ने उन्हें 28 रुपये 12 पैसे का मुआवजा दे दिया, अब उस मुआवजे लेने के लिए भी किसान को कई कई लाख रुपए रिश्वत दे रही है। अगर सरकार इतनी ही गंभीर है तो एक कैबिनेट में मीटिंग बुलावे और भैया सबका एक रेट तय करके सब किसानों को कैंप लगा के मुआवजा दे दे। किसानों का शोषण करना तो इनका धर्म रहा है और किसानों का शोषण होता रहेगा, और ये किसान ऐसे ही धरने करते रहेंगे। ये सरकार बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, अगर संजीदा होती ये किसान जो है अपना दिन रात एक करके गेहूं बो रहा है, खेत में मर रहा है, रात को जो है खेत में बड़े बड़े जिनावर आ जावे हैं, उनका कोई सुरक्षा का नहीं है, बिजली देवे तो रात को देवे, और किसान वहाँ जावे और किसी न किसी चीज़ का शिकार हो जावे। अरे बिजली देनी है तो दिन में दो, खाद है वो इतना महंगा कर दिया इस गवर्नमेंट ने, और तो खाद में इतनी बढ़िया चोरी करी है इन्होंने, अगर जो 50 किलो का कट्टा आक रहा वो 40 किलो का कर दिया। देखो अब किसान तो अनपढ़ है, अब उसकी समझ में ही नहीं आएगा क्या है डीजल इतना महंगा करते जा रहे हैं, वो कंपनी प्राइवेट आदमी को दे दी एक को, अब डीजल भी महंगा होगा पेट्रोल भी महंगा होगा क्योंकि सरकारी तंत्र खत्म होगा। जब इस देश में सरकारी तंत्र खत्म हो जाएगा
तो इस देश में किसी सरकार की और किसी की व्यवस्था की जरूरत क्या रहेगी भैया? ये बताओ, जब सारी मशीनरी खत्म हो गई, हमारा रेलवे खत्म हो गया, हमारा IOCL खत्म हो गया, हमारा जो है वो जनधन योजना वो भी ऐसे ही आई, अब उनके बेचारे जो खाते खुले ना जनधन योजना में, अब 1-1 हज़ार पैसे जिसके जमा आए ना, जो उसके बेचारे के 10-20 हज़ार किसी ने अगर गलती से डाल दिए, वे उसमें मिनिमम बैलेंस में कट रहे हैं, अब वे बेचारे वैसे परेशान। उज्ज्वला योजना ही है इनकी, वे सारे सिलेंडर भरे पड़े, गैस के दाम इतने बढ़ा दिए, अब वे सिलेंडर जो है नू के नूई धरे रह गए, और जिनके पास पैसा भी था अब वो भी चूल्हे पे रोटी बनाने लगे फिर दोबारा से। गन्ने का कोई पैसा नहीं, 3 साल से इन्हें गन्ने में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो भैया शोषण ही शोषण है इस किसान में। किसानों का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा, और कोरोना काल में 2,00,000 करोड़ का पता नहीं कितना वो एक बजट पेश कर दिया। अरे भैया जनसंख्या तो हमारी 1,25,00,000 ही है, जरा डिवाइड करके ही सही समझा दो। अगर डिवाइड कर देते थे, एक एक आदमी के खाते में 2,50,000 करोड़ रुपया आवे, तुम 1 महीना क्या, 2 महीना क्या, तुम 1 साल जो है कोरोना के नाम पे पूरे देश बंद रखते, ना किसी को कोई परेशानी होती ना कुछ, 2,50,00,000 करोड़ रुपया जो है वो गया कहाँ, इसे समझाया जा। चलिए आपने सुना यहाँ गंभीरता से कि किस तरीके काफ़ी सारे आरोप सरकार पर लगाए गए इस दौरान, कि तमाम चीज़ें मुआवजे की भी बात जो कही गई, जो इन्होंने नोएडा में बसा कि जो ज़मीन किसानों के लिए गई, खेत लिए गए, उसकी मुआवजे की बात, कि किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हालांकि ये बात और भी जगह, कई जगह जो सड़कें हाईवेज बनाए जाते हैं, जो कि किसानों के खेतों गाँव में से होते हुए जाते हैं, तो जिसके लिए हाईवेज बनाने के लिए जो खेत किसानों से लिए जाते हैं, उसके मुआवजे भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। जो कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक बनना था, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि किसानों के मुआवजे, जो ज़मीन किसानों की ली गई, उसके मुआवजे नहीं दिए गए हैं। तो तमाम तरीके की मुश्किलें, जिस वजह से आप आज सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद, 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, 4 साल से गन्ने का और पेमेंट गन्ने की नहीं मिल रही है, पिछले कुछ महीने से 4 महीने हो गए गन्ने की फसल आए, अभी तक रेट तय नहीं किए गए गन्ने के, जिसकी वजह ये कि आज आप दिल्ली की तस्वीरें, दिल्ली के बॉर्डर की तस्वीरें आज आप ये देख रहे हैं। ये वजह वही है जो आज आपने सुनी, कि क्या वजह है कि किसानों के अंदर इतना आक्रोश, इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और वो वजह आप दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर जाके देखेंगे तो ये तस्वीरें आपको दिखेंगी। उसकी वजह ये है कि किसान बेहद परेशान और काफ़ी नाराज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और BJP सरकार से। जी सर, आप क्या कह रहे थे? बोल लो। मैं ये कह रहा था कि जैसे अब हमें गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, और बच्चों के पढ़ाने के लिखाने के रोज के मर रहा, उसमें बहुत परेशानी आ रही है, तो हमें कोई ये कोई वो थोड़ा ही है कि भाई हम यहाँ से जो है बैठे हैं धरने पे, हमें कोई होश है इस बात की? और दूसरा ये जो है जो काला कानून ये लेकर के आए हैं, इसका जो आगे चल के जो नुकसान होगा, अब आप एक बात देखो, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ज़्यादातर 1 एकड़ या 2 एकड़ के किसान ज़्यादा हैं, वे अपनी मजदूरी भी नहीं लगाते और इस तरह से खेती करते हैं, और कितने लगनशील है, और इससे ज़्यादा वे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने जो है जो हमारा माल पैदा होता है उसका वाजिब मूल्य लेने के लिए वे जो है इतना प्रयास करते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म हो जाएगा तो जो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में फार्म में जो मजदूर लगाएंगे या कुछ वे जो है और धंधे करेंगे, उसके लिए जो पैसा है वो उसी में से ही तो आएगा, खेती में से ही। जब अब नहीं ये जो है दे पा रहे, तो उसमें जो है फिर किसानों को क्या होगा? किसान तो भुखमरी आ जाएगी। इस तरह से तो ये बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाएगा देश को। हम जो है जैसे मोदी जी मन से बात कर रहे हैं, अगर आप मोदी जी माननीय मोदी जी हमारे दिल से बात करें और किसानों के बिल्कुल हकीकत में सुने, ये एक्सपर्ट की बात छोड़ दें और एक्सपर्ट की बात ना करके और किसानों से पूरी वार्ता करके और इसका जो है समाधान करें, तो इसका जो है सोल्यूशन निकल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुच्छो की ये कहते हैं कि भाई वो सरकार अड़ी हुई है, देखिए सरकार अड़ो या ना अड़ो वो उनकी बात है, लेकिन किसान किसी भी तरह से अड़ा हुआ नहीं है। वो अपनी वो जो है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर के ये मांग रहा है कि भाई इन्हें जो है किसी तरह से ये हमारी मांगें पूरी करी जाएं। चलिए वही चीज़ जो 26 नवंबर से हम सुन रहे हैं, मांगे पूरी हों, और मांग ये कि तीनों कानून वापस लिए जाएं और MSP पर कानून बने। ये दो मांगे जो किसान यहाँ पे मौजूद है, एक सेकंड फिर
तो वही चीज़ वही बातें जो किसान यहाँ पे लगातार 26 नवंबर से कह रहे हैं, आज 70 दिन हो लिए, कि वो तीनों कानून वापस किए जाएं और MSP पर कानून बनाया जाए, उसके बाद जो कमेटी बन सकती है उसके बाद बैठ के जिस तरीके से कानून बनाना है वो चर्चा उसके बाद हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा, तस्वीरें दिखाते हुए कि इस तरीके के साथ क्या नाम है सर? रवि कुमार। तो आज मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन नितिन है वो आज आए नहीं है, तो मैंने यहीं पे एक यहीं पे मौजूद किसान को वो उनको लिया है और मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा, पकड़ना से उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन है ये। इनका नाम रवि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कैमरा करने के लिए। ये आप तस्वीर इनकी देखिए, ये रवि कुमार जी, इन्होंने आज मेरा कैमरा किया। तो आप इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ, मैं सुमित यादव कैमरामैन रवि के साथ।